हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कंचन। सो गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा अमेजोन होम डेकोर हॉल। आप सभी को पता है कि अमेजोन पे अभी सेल चल रहा है, तो वहां से मैंने कुछ होम डेकोर आइटम्स परचेस किए हैं, तो वही मैं आज आपसे शेयर करने वाली हूँ। कुछ मैंने अपने किचन के लिए परचेस किए हैं, कुछ मैंने अपने लिविंग रूम के लिए परचेस किए हैं, तो मैंने सोचा चलो आपके साथ शेयर कर दूँ ताकि आपको भी हेल्प हो जाए। अगर आपको वो चीज़ें परचेस करनी है तो आपको हेल्प मिल जाए इस वीडियो से। तो चलिए फिर मैं एक एक करके आपको दिखा देती हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें मैंने वहाँ परचेस की हैं। कुछ मैंने अपने किचन के लिए लिए हैं, कुछ अपने लिविंग रूम के लिए लिए हैं, तो जो जो मेरे हाथ में आएंगे वो मैं आपको दिखा दूंगी। तो सबसे पहला आइटम है ये, तो मैं आपको ओपन करके दिखा देती हूँ। एक्चुअली मैंने सारे चीज़ें ओपन करके रखी है और बहुत ही ब्यूटीफुल सा ये शोपीस है और साइकिल है एक, और उसमें एक इतने सारे फ्लावर्स है, और आप देख सकते हो ये दो स्टिक में आते हैं फ्लावर्स, इस तरह से आए थे ये दो स्टिक में। आपको ये कनेक्ट करने पड़ते हैं, आपको इस तरह से इसे जोड़ना पड़ता है और इस तरह से इसमें आपको ऐड करना पड़ता है, मतलब डालना पड़ता है। तो इस तरह से ये साइकिल है, और साइकिल प्लास्टिक की है गाइज ये, और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। आपको पास से मैं दिखा देती हूँ, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। और गाइज मुझे अभी एक भी आइटम का जो प्राइस है वो ऐड नहीं है, तो इसी वजह से मैं स्क्रीन पे लगा दूंगी इसके प्राइस जो मुझे डिस्काउंट में मिला है, डिस्काउंटेड प्राइस मैं स्क्रीन पे लगा दूंगी। तो इस तरह से है ये, और बहुत ही ब्यूटीफुल सा शोपीस है, तो मुझे बहुत ही प्यारा लगा ये। ये है मेरा फर्स्ट परचेस, और सेकंड है ये कुछ पहले लिविंग रूम के ही हाथ में आ रहे हैं। ये कुछ इस तरह से है रिमोट स्टैंड, इसमें दो रिमोट बैठेंगे। आप एक बड़ा रिमोट रख सकते हो, एक टाटा स्काई अगर आपके पास है तो एक टाटा स्काई का रिमोट आप इसमें रख सकते हो, एक टीवी का रिमोट इसमें रख सकते हो, ऐसे दो रिमोट आप इसमें रख सकते हो। तीन का भी आता है, बट मैंने दो का लिया है क्योंकि मेरे पास दो ही रिमोट है, इसी वजह से, मतलब तीसरा है बट छोटा सा है इसी वजह से। और बहुत ही प्यारा है गाइस ये, आप देख सकते हो एक आदमी है और इसे खींचता हुआ लेके जा रहा है जैसे, तो इस तरह से ये गाड़ी टाइप का है और बहुत ही ब्यूटीफुल है ये। तो इसमें आप एक यहाँ पर और एक यहाँ पर रख सकते हो। तो ये है मेरा सेकंड परचेस, और थर्ड है गाइस ये भी बहुत ही प्यारा सा एक शोपीस है, और मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा ये, मतलब इसकी प्राइस के अकॉर्डिंग ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा गाइस। मतलब आप देख सकते हो ये मेटल का है, इस पर गोल्डन कलर दिया है और बहुत ही प्यारा लगता है, आप देख सकते हो। मतलब इसके प्राइस के अकॉर्डिंग ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और हेवी भी है, ऐसा नहीं है कि लाइट वेट है, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है। मतलब अगर आप लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, तो इतना सुंदर है ये, डिटेलिंग भी बहुत ही प्यारी दी है यहाँ पर, आप देख सकते हो बहुत सुंदर लगा मुझे ये पीस। तो ये है मेरा थर्ड परचेस, मैं जल्दी जल्दी से आपको दिखा देती हूँ क्योंकि आइटम बहुत सारे हैं, ये ह्यूज हॉल होने वाला है अमेजोन। ये है किचन के लिए, और सॉरी गाइस थोड़ा सा आवाज़ का प्रॉब्लम होगा क्योंकि मेरी अभी अभी तबीयत ठीक हुई है, तबीयत ख़राब थी मेरी इसी वजह से। और इसमें है आप देख सकते हो स्पाइस कंटेनर है ये, और ये है इस तरह से, ये फाइबर के हैं, और इस तरह से यहाँ से ये ओपन होते हैं, मतलब आप इसमें अचार या स्पाइसेस रख सकते हो, मतलब क्या बोलते हैं हल्दी मिर्च इस तरह से आप इसमें रख सकते हो। और इसमें एक एक इसमें स्पून भी दिया हुआ है, तो इसकी क्वालिटी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। इसमें ये फोर कंटेनर है और एक ट्रे है, तो इस तरह से है, और इसमें चारों इसमें स्पून दिए हैं एक एक करके, चार इसमें स्पून दिए हैं, और मुझे ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा गाइस। नेक्स्ट मेरा आइटम है ये भी किचन के लिए है एक्चुअली, ये है इस तरह से स्टैंड है, और इसमें आप पेपर टॉवल वगैरह रख सकते हो, तो इस तरह से है ये स्टैंड, और बहुत ही अच्छा लगा ये भी मुझे लगेगा, पेपर रोल जब आप इस पर रखोगे तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। एक्चुअली मैं इसके पिक्चर्स भी आपके लिए लगा दूंगी स्क्रीन पे कि ये किस तरह से वेबसाइट पे दिखते थे, तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल है, और ये लोहे का है और इस पर ब्लैक कलर है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा गाइस ये भी मुझे, मतलब प्लास्टिक का नहीं है ये, मुझे लगा था प्लास्टिक का है। नेक्स्ट मैंने लिया है ये, तो ये है मतलब आप इसमें चकला एंड बेलन रख सकते हो, और इसमें चिमटे वगैरह रख सकते हो, इस तरह से ये स्टैंड है, और ये किचन के लिए है। बट ना एक्चुअली ये मैं आपको दिखाने के लिए दिखा रही हूँ, बट ना मुझे ये सक्सेस नहीं लगा क्योंकि मेरे पास जो चकला है ना तो वो इस पर अच्छे से नहीं आता है, वो ऐसे गिरने लगता है, बड़ा सा है इसी वजह से। अगर छोटा चकला हो आपके पास तो ये
बैठ जाएगा इसमें, बट मेरे पास थोड़ा सा बड़ा चकला है तो इसी वजह से मुझे नहीं लगता इसमें आएगा वो, तो मैं इसे रिटर्न करने वाली हूँ एक्चुअली। बट फिर भी मैंने आपको दिखाने के लिए दिखाया क्योंकि आपको हेल्पफुल हो सकता है अगर आपको लेना है तो, इसी वजह से। ये स्टील का है और यहाँ पर आप चकला रख, बेलन रख सकते हो, यहाँ पर चकला रख सकते हो, यहाँ पर चिमटी रख सकते हो। तो मैं आपको इसका पिक्चर भी दिखा दूंगी स्क्रीन पे तो किस तरह से लगता है ये। नेक्स्ट मैंने लिया है ये, तो ये है स्पाइस कंटेनर, तो इसमें भी आप स्पाइसेस रख सकते हो, बहुत ही प्यारा है ये भी। ये कुछ इस तरह से है और छोटे छोटे स्पाइसेस के लिए कंटेनर दिए है इसमें, और यहाँ से आप इसको मतलब ओपन भी कर सकते हो, यहाँ से इसमें छेद है, यहाँ से ओपन ऐसे राउंड में सर्कल में आप घुमाओगे तो देखिए इसमें छेद है, तो आप इसमें से डायरेक्ट डाल सकते हो। और इस तरह से है, इसके साइड में लगाने के लिए ये भी आए हैं, तो इसको मैं अरेंज कर दूँगी अच्छे से ये इस तरह से। इसका जो पिक है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा किस तरह से ये वेबसाइट पे दिखता है, तो इस तरह से है ये, और मुझे ये भी बहुत ज़्यादा प्यारा लगा। नेक्स्ट मैंने लिया है ये, तो ये है कुछ स्टिकर, जैसे मैंने पहले 3D स्टिकर मंगाया थे, मिरर स्टिकर, तो इस तरह से है ये। और इसका पिक भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि किस तरह से ये दिखता है, तो ये भी मैंने मतलब ये लीफ शेप में है और बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है लगाने के बाद, तो वैसे ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। नेक्स्ट मैंने लिया है ये, ये एक क्या बोलते हैं उसे, डस्टबिन स्टैंड है। आप अगर आपके पास आपने मॉड्यूलर किचन या डोर भी है किचन को, तो उसमें आप लगा सकते हो, तो इसका भी पिक आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि किस तरह से इसको लगाना है। तो ये इस तरह से है, स्टील का है और इसे आपको खुद अटैच करना पड़ेगा, तो ये मैंने अभी तक ओपन नहीं किया है, और ओपन करने के बाद आपको जब से स्क्रीन पे दिख रहा है वैसे ही ये दिखेगा। मुझे ये बहुत दिनों से लेना था तो इसी वजह से मैंने ये परचेस कर लिया। नेक्स्ट मैंने लिया है ये वाला स्टैंड, ये भी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है गाइस, डेकोर करने के लिए दिवाली के टाइम ना ये बहुत ज़्यादा काम आएगा। और इसका भी पिक आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि किस तरह से है ये, और इस तरह से है ये स्टैंड, मतलब कैंडल स्टैंड है ये, इस तरह से दो स्टैंड है, और इसमें ना कैंडल रखने के लिए वो भी दिए है उन्होंने ग्लास के कंटेनर, और एक कैंडल भी दी है, दो ग्लास के कंटेनर दिए है दो स्टैंड में और एक कैंडल भी दी है। तो इस तरह से आपको इसे निकालना होगा और ये हैंग करना होगा दीवार में, और इस तरह से ये है, और इसमें आपको ऐसे लगाने पड़ेंगे। बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है गाइस ये लगाने के बाद, मतलब मुझे तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, और जैसे ही मैंने वेबसाइट पे देखा वैसे ही मैंने ऑर्डर कर दिया इसका। इसके बाद मैंने लिया है ये स्पाइस जार, बट ना मैंने वेबसाइट पे देखा था तो बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी दिख रही थी, तो ये बहुत ही छोटी है गाइस, मतलब इतनी छोटी सी है ये कि आप देख सकते हो इतनी छोटी सी है ये, और मेरे यहाँ तक आएगी, हाँ मतलब ये जो उंगली है बस उंगली के साइज़ की है, ये एक उंगली के साइज़ की है जार, और ये इतनी छोटी छोटी सी है। बट मैंने ना स्पाइस जार ऑलरेडी ऑर्डर किए हैं, मुझे लगा था कि थोड़ी सी बड़ी आएगी तो मुझे दाले वाले रखने में या कुछ ड्राई फ्रूट्स के लिए तो ऑलरेडी मेरे पास है ऐसी इसी टाइप की जार्स है, बट मुझे लगा था कि थोड़ा सा दाल वाल कम क्वान्टिटी में रखने के लिए आएगी, बट ये इस तरह से सिक्स पीस आया है, बट छोटे छोटे हैं, बहुत ज़्यादा छोटे हैं स्पाइसेस रखने के लिए, अचार के लिए भी बहुत छोटे होंगे ये, स्पाइसेस के लिए सही है ये, और वहाँ पर लिखा भी था स्पाइसेस के लिए, बट मुझे मतलब मैंने देखा भी नहीं और इतना ध्यान में नहीं आया कि ये इतना होगा। और उसके बाद मैंने लिए है ये फ्रिज के लिए फ्रिज मैट, आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है ये, आप इस पे फ्रिज के ग्लास नहीं होते हैं उस पे आप इसे रख सकते हो, और इसके पिक मैं आपको स्क्रीन पे लगा दूंगी किस तरह से दिखते हैं, और बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे ये मुझे, और इसकी क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है गाइस, मतलब बिल्कुल चीप क्वालिटी की नहीं है, बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी है, और मैंने अपने फ्रिज के ग्लास के ऊपर भी लगा के दिखा था तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे, बहुत ही प्यारे हैं। आपको अगर परचेस करना है तो आप इसे परचेस कर सकते हो, मतलब जो भी आइटम मैंने लिए हैं तो बहुत ही अच्छे लगे, और मतलब कॉस्ट के अकॉर्डिंग, और जो नहीं अच्छे लगे मतलब जो अच्छे हैं बट जो उसमें माइनस पॉइंट है वो भी मैंने आपको बता दिए कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है,
आपको अगर लेना है तो आप ले सकते हो। नेक्स्ट मैंने लिया है ये भी किचन के लिए है, और ये है इस तरह से, आप इसे बाथरूम में भी हैंग कर सकते हो और आप इसे किचन में भी हैंग कर सकते हो, किचन की डोर में भी। तो इस तरह से आपको मैं ओपन करके दिखा देती हूँ। तो इसमें आप हाथ बैग या कुछ भी जैसे आपके किचन में जो आप यूज़ करते हो तो वो आप इसमें रख सकते हो। तो ये इस तरह से है, अगर आप किचन के जो ट्रॉलीज है उसके डोर में इसे लगा दोगे तो आप इसमें कोई भी बॉटल वगैरह, इसमें पॉलिथीन वगैरह या कुछ भी आप इसमें रख सकते हो, जो भी आपकी मर्जी है। या आप इसे बाथरूम में भी हैंग कर सकते हो, बाथरूम में भी आपके टॉयलेट क्लीनर वगैरह सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगे। तो इस तरह से है ये, मैंने अपने किचन के लिए ऑर्डर किया है गाइस, मैंने बाथरूम के लिए नहीं ऑर्डर किया है क्योंकि ऑलरेडी मेरे बाथरूम में लगे हुए हैं, बट किचन के लिए मुझे चाहिए था तो किचन के लिए ये ऑर्गेनाइज़र है, तो मुझे ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगा। और नेक्स्ट परचेस है गाइस ये, तो ये है कुछ इस तरह से, और ये आई थिंक पीतल का है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा है गाइस, मतलब आप देख सकते हो पीकॉक है, और आपको क्या बताओ इस तरह से ये खुलता है, इस तरह से ये अलग निकलता है, ये पिकॉक अलग निकलता है, और इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर गैप है, तो इसमें आपको इसे फंसाना पड़ता है। अगर आप इसे मतलब कहीं रखना चाहते हो तो इसे ये ज़्यादा जगह नहीं लेगा, ये इस तरह के बॉक्स में आया था छोटे से, और इस तरह से, और ये मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगा। ये देख सकते हो इसमें कुछ कलर्स है ऐड, और मुझे तो ये बहुत ज़्यादा पसंद आया। और गाइज नेक्स्ट परचेस है मेरा ये कुछ स्टिकर्स है, मतलब कुछ नहीं, ये कुछ इस तरह से है, आप देख सकते हैं। इसका पिक भी आपको स्क्रीन पे मैं लगा दूंगी किस तरह से ये दिखते हैं। तो ये आप वॉल के नीचे की साइड में लगा सकते हो और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेंगी ये। ये मैं कहाँ पर लगाऊंगी तो ये आपको बाद में देखने के लिए मिल ही जाएगा। तो आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। दो स्टिकर है ये, तो इस तरह से आप इसे वॉल के नीचे की साइड में लगा सकते हो, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं और ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है इसे लग लिए, तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगे ये भी मुझे स्टिकर्स। सबसे लास्ट मैंने लिया है ये डोर मेट है, और ये भी मुझे बहुत ज़्यादा प्यारे लगे क्योंकि ना इसमें ये एक्चुअली कॉटन के हैं, और ये दोनों भी शेड ऐसे हैं, ये जो शेड है वो मेरे लिविंग रूम से मैच होता है। अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर होंगे तो आपको पता ही है कि मेरे लिविंग रूम की थीम इसी तरह से है, तो ये मेरे लिविंग रूम से मैच होगा, और ये जो है तो ये मेरे बेडरूम से मैच होगा, आपको पता ही चल गया होगा जैसे ही मैंने आपको दिखाया ये कलर। दोनों कलर बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं, और ये सेट है दोनों का, तो इन सारी चीज़ों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसमें से अगर आपको कोई भी आइटम परचेस करना हो तो आप परचेस कर सकते हो, तो सारी चीज़ों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाते जाते डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लेना। और ये था मेरा लास्ट परचेस, और ये भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया क्योंकि ये कॉटन का है, और कॉटन की ही डोरमेट आपको लेनी चाहिए क्योंकि कॉटन के अगर लेते हो तो ये पानी वगैरह जो भी चीज़ें हैं तो ये एब्जॉर्ब जल्दी कर जाता है, तो इसी वजह से मैंने ये कॉटन के इस बार मंगाया है। और मेरे पहले के जो थे तो वो बहुत ज़्यादा थोड़ा सा फैंसी थे, आपने देखा ही है थोड़ा सा फैंसी थे, इसी वजह से मैंने ये कॉटन के मंगाया है। थोड़ा सा मुझे दिवाली के टाइम न्यू लुक चाहिए था अपने घर का, तो इसी वजह से। तो ये था मेरा लास्ट परचेस गाइस, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपके लिए हेल्पफुल भी रहा हो। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना अगर आपने नहीं किया है तो, और आप चाहो तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, उस पर मैं प्रोडक्ट के रिव्यूज़, ब्यूटी रिलेटेड टिप्स वीडियोज़, हॉल वीडियोज़, मेकअप वीडियोज़ इस तरह से डालती रहती हूँ, तो आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो। और आप में से कोई मराठी अगर मुझे देख रहे हैं तो मेरा एक मराठी ब्लॉग चैनल भी है, तो आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो, दोनों चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आपको अगर कोई भी प्रोडक्ट परचेस करना है तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय।